हेलो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रवि हरजपती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देव ऑटो सेंटर। दोस्तों आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों वीडियो में आज हम जो टॉपिक लाए हैं, हमारे पास है बजाज एक्सीडी बाइक और इसमें हम आपको दिखाएंगे इसके स्टार्टिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो बाइक में स्टार्टिंग की प्रॉब्लम होती है, बाइक झटके देने लगती है। ये देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये स्पार्को पेट्रोल सर्वो गोल्ड है, इसी के कारण बाइक झटके ले रही है। ये पेट्रोल सर्वो कस्टमर ने पेट्रोल पंप से लगाया है और इसका प्राइस 200 रुपये उसने दिया है, लेकिन इसके कारण बाइक झटका ले रही है। क्योंकि मैंने पूरी बाइक को चेक किया है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी का कारण है कि बाइक झटका ले रही है। चलिए हम आपको इसे खोल कर दिखाते हैं कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है जिससे ये पता लगाया जा सके कि बाइक पेट्रोल कम खाएगी। ये बोलकर पेट्रोल पंप पर ये लगाया जाता है। इसे बाहर निकाल कर हम आपको दिखाएंगे कि ये फेक फ्यूल सर्वर है। इसके अंदर ऐसी कोई डिवाइस नहीं है जिससे बाइक पेट्रोल कम खर्च करे। तो चलिए इसे हम तोड़ कर आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हथौड़ी है, इसी की सहायता से हम इसे तोड़ेंगे। ये देखिए, इसके अंदर ये एक स्प्रिंग है, एक कंडेंसर दिया गया है और ऊपर नीचे इसके वार्सल है। और बाइक में जो झटके की प्रॉब्लम है दोस्तों, ये देखिए, ये जो कंडेंसर है ये इस वार्सल पर काफ़ी लूज लगा हुआ है। ये देखिए, ये वार्सल हमने हटा ली है और ये स्प्रिंग और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये कंडेंसर दिया गया है डायोड। शायद इसका प्राइस 2 या 3 रुपये होगा, पेट्रोल पंप वाले बेवकूफ़ बनाते हैं। दोस्तों ये फेक फ्यूल सर्वर है, इसके अंदर ऐसी कोई डिवाइस नहीं है जिससे बाइक पेट्रोल कम खाए। क्योंकि ये एक मामूली कंडेंसर इसमें दिया गया है। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन की घंटी वाला बटन जरूर दबाएं जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।